यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, बात कर लेंगे चरखी दादरी की, जहां बच्चे गंदे पानी से गुजर कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकती हैं। ये चरखी दादरी का मिर्च गांव है और चरखी दादरी की अगर बात करें हरियाणा का सबसे नया जिला फिलहाल है, लेकिन अव्यवस्थाओं का आलम यहां पर है। स्कूली बच्चे हर रोज यानी कि रोजाना गंदे पानी से होकर स्कूल जाते हैं। आलम यह है कि परिजन छोटे बच्चों को गोद में ले जाकर स्कूल छोड़कर आते हैं। स्थानीय लोगों की ओर से कहा गया कि बरसात के बाद हर साल की यही कहानी है। प्रशासन को सूचित किया गया है, स्कूल प्रबंधन की ओर से भी प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया गया है, लेकिन स्थिति वकी है ढाक के तीन पात। दस दिन से जो गांव में दादरी हल्के के अनेक गांव में पानी भरा है, सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, एक सिर्फ कछुआ चाल और किसान और जमींदारों को गुमराह कर रही है। पानी की वजह से बच्चे अंदर नहीं जा सकते, पूरे गांव की व्यवस्था खराब है। मच्छरों का प्रकोप इतना बढ़ रहा है कि सारा गांव तकरीबन बीमार पड़ा, हर घर के अंदर दो चार मरीज़।